पर ये हमारी इंडस्ट्री के सुतली बॉम्ब है, इतनी धमाकेदार आवाज है इनकी, ये बड़ी जल्दी मुझे तो शक है कि गवर्नमेंट हमारी अनाउंस ना कर दे कि सुखिंदर जी आप रात 10 बजे के बाद नहीं गाएंगे। पाजी इसके पीछे राज क्या है, इतनी बुलंद आवाज के पीछे? आपकी आवाज सुनते तो लगता है कि कोई 9-9.5 फीट का आदमी होगा, कोई बड़ा सा पहलवान होगा, इतना बड़ा गला होगा। पाजी कैसे, क्या राज है इसका? बेसिकली मोहब्बत है संगीत से, और हमारे गुरुओं ने भी सिखाया था कि जितना आप लोज का यानी नीचे के स्वरों का रियाज करोगे उतना आपका ऊंचे का सुर बुलंद होगा। वाह क्या बात। अच्छा सुखिंदर पाजी ने हर तरह के गाने गाए हैं, लेकिन पाजी पिछले 2-3 सालों में ना आपने तकरीबन इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है पूरी इंडस्ट्री से, टाइटल सॉन्ग तो सुखिंदर पाजी के अलावा कोई किसी से गवाते नहीं। इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये भी तेरी तरह इनकम टैक्स देते हैं? इनकम टैक्स सबको देना चाहिए पाजी, तभी देश की तरक्की हो सकती है। Am I right? जोरदार तालियां पाजी के लिए। पाजी आइए। अच्छा मैं पाजी आपको बड़े सालों बाद आपके जितने भी लाइव शोज मैंने देखे हैं, आप ये हेडसेट ज्यादा आजकल यूज करते हो माइक पे, मैंने आपको बड़े सालों बाद आज अपने शो पे देखा है। हाथ से बदल देते हैं इंसान को। क्या उसके पीछे क्या हाथ था? आज आपने नोटिस किया होगा सिद्धू साहब कि मैं इसको यहाँ पे रख के गा रहा हूँ। क्यों? जबलपुर में मैं आई वॉज डूइंग कॉन्सर्ट और मैं मुझे छू ले गाना, मुझे छू ले मुझे, उसने छू लिया। तो शो में इतनी लाइटिंग होती है कि थोड़ा स्वेट भी हो जाता है, तो यहाँ होंठों पे मेरे शबनम फैली हुई थी और ये भी थोड़ा मूड में आ गया था। तो ये एक्चुअली में हुआ था, ये एक्चुअली, तो यहाँ पर मुझे झूले झूले ऐसा, तो यहाँ पे लगा बाई चांस करंट है, इजाजत थोड़ी लेता है सर, लगा मैं सिद्धू साहब जरा तड़फे हैं उठते स्टेज। सर जी मोहतरमा और बिजली का करंट जब लगा ना बंदा पानी नहीं मांगता। आपको कोई टाई वाला केस हुआ था ना भाजी किसी इवेंट में भी, कुछ क्या हुआ था वो? सिद्धू भाजी वो अपना पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा कॉन्सर्ट था, तो वहाँ पे कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो मैं थोड़ा हाइड करके भागना चाहता था, यानी स्टेज के पीछे से ही गाड़ी खड़ी की थी कि वहाँ पे मैं जाऊँगा और सीधा वहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ पीपल विल कम एंड पतली गली से निकल जाऊँ। कोई एक शिकारी को ये प्लानिंग पता चल गई, उस कॉन्सर्ट में मैंने टाई पहनी हुई थी रेड कोट एंड टाई, वो टाई पकड़ के सिक्योरिटी वाले आए भी और उस वो लटक गया, कहता मैनू ये टाई चाहिए थी, मैनू ये टाई चाहिए थी मुझे। आप सोचो सामने वाला खड़ा है और टाई पकड़ी हो और वो लटक जाए, वो तो जिंदा हम लटक जाएंगे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ओ भाई तेरे को टाई देता हूँ, 2 मिनट का सब्र तो कर। 2-4 लोगों ने उसका हाथ भी पकड़ा, मैं टाई कैसे भी करके मैनेज करके उतार के दी और मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट रख गया, कहता एक और ले लेना। आपका गाना था भाजी प्यार होता है तो होता है, हजार बार सुना होगा, सबसे पहली बार सुना मैंने। ये अब आपने कंपोजिशन पाजी कमाल हो आप। सबसे बड़ी मुश्किल बात मेरे लिए वो होती है जब मेरे साथ में कोई बड़ा खड़ा जो शख्स मेरा गाना सुनने के बाद जब बोलते हैं ना कि मैं ये स्कूल टाइम से सुन रहा हूँ, बहुत तब मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। पाजी आप इतने समय से आप हम सबको एंटरटेन कर रहे हैं, अब हम आपको थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं, हालांकि आपको पता चल गया होगा पाजी म्यूजिक की दुनिया में ब्रदर्स जो हैं बहुत हुए हैं, आपको ऐसी 2 सिस्टर्स से मिलवाना जा रहा हूँ जिन्होंने सूफी गायकी से जो है एक नई मिसाल कायम की है। फिल्म 4 साहेबजादे द राइज ऑफ बंदा बहादुर सिंह, उनमें भी उन्होंने अपनी आवाज दी है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम नूरा सिस्टर। थैंक यू।
मैं देख रहा था पाजी, इतने सालों से हम सुखविंदर पाजी को सुनते आ रहे हैं, आज पाजी इनकी गायकी का मजा ले रहे थे, कमाल कर दिया आप दोनों ने। हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है और हम बड़े बड़े समय से चाहते थे कि आप हमारे शो में आए, प्लीज यहाँ पे विराजमान। चले जाऊंगे महाराज, कमाल कर दिया, बम निकाल दिया। गीत गजल या कवाली, हर लफ्ज इनका सदा बहार है। गीत गजल या कवाली, हर लफ्ज इनका सदा बहार है। धड़क उठे हैं दिल, बज उठे वीणा और सितार। सुरों की साधना में अपना पूरा जीवन देने वाली इन दोनों बहनों का संगीत से नाता बड़ा दमदार और सदाबहार। क्या बात है, फकार, कमाल कर देता। और पुत्रा तू दे मैगना आसमान जा वजीए तेरी आवाज, क्या बात है, बम कर छड़े, बम संगीत, ठोको भाई ठोको। आओ जी आओ, बैठिए बैठिए, आओ पाजी। अच्छा, दो जिस्म एक जान हमने सुने थे, दो आवाज और एक गीत, और इतना बखूबी निभाते हैं लोग स्टेज पे कि मतलब कमाल है, आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है। अच्छा, हमने जब भी इनको सुना है, देखा है नूरा सिस्टर्स के नाम से, तो इनमें से एक का नाम है ज्योति और दूसरे का नाम है सुल्ताना। तो पहले तो हमें ये बताइए, आप में से ज्योति नूरा कौन है, सुल्ताना नूरा कौन है? ज्योति नूरा ये है जी। ओके, सुल्ताना नूरा मुझे पता था, मैं दर्शकों के लिए पूछ रहा था। अच्छा, ज्यादातर पाजी ट्रेडिशनल फैमिलीज में लड़कियों को गाने के लिए इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, पर आप दोनों ने एक मिसाल कायम कर दी, और मुझे लगता है कि इन दोनों बहनों को देख के हर माँ बाप चाहेंगे कि उनकी जो बच्चियां हैं उनका नाम रोशन करें। ये नूरा सिस्टर्स अपने आप में एक मिसाल है। इनके पूरा परिवार जो है टैलेंट से भरा पड़ा है, बाहर पेमेंट जाने नहीं देते। तो इनके पिताजी हैं जो बहुत अच्छा हारमोनियम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, इनके छोटे भाई हैं जो यहाँ पे तबले पे आप इनको देख रहे हैं, और दोनों बहनों को तो आप सुनते ही रहते हैं, और मम्मी भी पक्का ही गाती होंगी फिर? नहीं, मम्मी गाती नहीं है। आता होगा पक्का, बताती नहीं होगी किसी को। हाँ। अच्छा, आप दोनों मिलके गाती हैं, तो आप डिसाइड कैसे करती हैं कि ये लाइन मैं गाऊंगी, ये तू गाना? कभी ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे के भरोसे बैठी रहो, म्यूजिक खाली निकल गया हो? ऐसा तो नहीं कभी हुआ? नहीं नहीं, पहली बात तो ये है कि हम दोनों डिसाइड तो करते नहीं इतना। अच्छा। क्योंकि पापा को पता है हम दोनों झगड़ते बहुत है आपस में। अच्छा। क्योंकि फिर वो ही कंपोजिशन बनाते हैं और वो ही लिरिक्स देखते हैं। ओके। तो फिर उनका ही सारा होता है कि इनकी लाइन पहली होगी और दूसरी लाइन मेरी होगी। अच्छा। वो ही डिसाइड करते हैं। पाजी, ये बात कहां तक सच्चा, आपको दीपिका पादुकोण पे बड़ा क्रश है? हमने सुना है कहीं से। क्रश तो आपको भी है। वही वही मैं इसलिए कि जब आपको पता था ऑलरेडी मेरा क्रश है, फिर आप मतलब। और यार, क्रश तुम्हारा और मेरा क्या करेगा, बाजी तो बाजीराव ले गया। कौन है आप दोनों, किनका बच्चा लेके भाग रही हैं आप? अच्छा, बच्चे की बात देखो, कर कौन रहा है, जो खुद शादी से कोसों दूर भागता है। यार, बोल के सारा सस्पेंस मार दिया तुमने। चंदू, तू ये क्या पहन के घूम रहे तुम लोग? हाँ तो कुछ पहन कर ही घूम रहा, मैं कौन सा नंगा घूम रहा हूँ? यही बात मेरे से क्यों नहीं पूछी? आप क्या पहन के घूम रहे हैं आप? मैं यह पहन के घूम रहा हूँ जो दिख रहा है भाई। अच्छा, डॉक्टर साहब का ये बड़ा है, कुछ भी पहन लेते हैं, आज तो फिर भी सामान कम पहना हुआ है। ओह सुखी बाजी। वाह, अनुरा सिस्टर्स, की हाल है बाजी? वाह वाह वाह, हेलो जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब, पूरा माहौल बना हुआ है। हेलो, डॉक्टर साहब इधर बैठिए बैठिए, आराम से बात करिए। ऐसे कौन आराम दिलाता भाई? बट कपिल शर्मा जी, कैन आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू आर एस्टीम्ड गेस्ट? जी जी प्लीज। आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी, डॉक्टर मिश्र गुलाटी, हेलो डॉक्टर मिश्र गुलाटी, हेलो हेलो जी, MLA। अभी आप कह रहे हैं डॉक्टर, अभी कह रहे हैं MLA, MLA क्या मतलब?
शिति साहब, इनको एमएलए का मतलब नहीं पता। इतने कंट्री में एमएलए हैं, मुझसे मतलब पूछ रहे हैं आपकी एमएलए का मतलब क्या है। भाई एमएलए का मतलब म्यूजिक लवर और देन एंड सारे आपके जो छोटे से परिवार है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। तो डॉक्टर साहब आपको कैसे पता इनका परिवार छोटा सा है? तुमने सुना नहीं छोटा परिवार सुखी परिवार? मेरे को हर चीज मेरे से पूछनी है। ए, तुम दोनों बने क्या हुए हो? देखिए हम बताते हैं नूरा जी, जैसे आपका बड़ा अच्छा नाम है नूरा सिस्टर्स, तो हमने आपका नाम थोड़ा सा चुरा कर ना अपना ग्रुप खोल लिया है। आप नूरा सिस्टर्स हैं, हम नूरी सिस्टर्स बने। नाम चुराने से क्या होता है, नाम तो तेरा भी चंदन है, कितनी गंदी स्मेल आती तेरे पास। तो कोई बात नहीं, कुछ आता या कुछ जाता थोड़ी है। खबरदार खबरदार, अगर मेरी सिस्टर को कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपसे बुरा? आपसे बुरा तो आपके बगल में खड़ा है। तुम्हारे मुंह खराब होने की वजह से मेरी बात कट गई। हमारे ना ये खानदानी काम है, ऐसे नहीं हम लोग ये लेके घूम रहे। हाँ। कौन सा खानदानी काम? आपके खानदान में कौन गाता था? नहीं गाने का नहीं, औरत बनने का। मेरे डैडी को ना लड़की बनने का बड़ा शौक था, वो तो इतना ज्यादा शौक था खुद की शादी पे दुल्हन बन गए थे। मेरी बात सुन, ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे हमारे इंट्रोडक्शन वगैरह कराओ, ये तुम टाइम खराब कर रहे हो बहस वगैरह करा के। हमारा जैसे मैं करवाता हूँ। हाँ जी, जैसे आप सब सुरों के बादशाह हैं, ये सुरों के बादशाह हैं। ये कीचड़ में लेट के गाते हैं, इनको सुनता सुनता है नहीं इनको कीचड़ में। यस, लेट के गाते हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। इन्होंने 3-4 बार आउट ऑफ कीचड़ गाने की हमने कोशिश की, लोगों ने वापस कीचड़ में खींच लिया, तो हमने कहा फिर आना ही है कीचड़ में तो टाइम क्यों वेस्ट करना, इवेंट लंबा जाएगा तो कीचड़ में पहले ही रहो, प्रोग्राम लंबा खींच जाता है कई बार। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप, अपने ग्रुप की बेइज्जती कर रहे हैं। कितनी देर तक हम होल्ड कर पाएंगे तुमको पता ही है। कैसे मतलब? तुमने यहाँ गाया नहीं, हमारी बेइज्जती हुई नहीं, ये तो होना ही है। देखो बात बेइज्जती से वैसे मेरा याद आया, यू नो वी हैड ए इवेंट इन दुबई। ओह लास्ट वीक। दुबई आप कहाँ चले गए? पासपोर्ट आपके पास है नहीं? राशन कार्ड में वीजा लग गए थे? नहीं नहीं, वहाँ पे इतनी इतनी मिट्टी थी, वहाँ पे रेत था बहुत। नहीं वो रेत नहीं थी, वो जुहू बीच था, गड्ढे में गाड़ा हुआ था आपको। अच्छा। हाँ जी। अभी मैं कहूँ मेरे मोबाइल पे इंटरनेशनल रोमिंग के चार्जेस क्यों नहीं आ रहे? सर ऐसा क्या गाया था आपको जमीन में गाड़ दिया उन्होंने? भाई ये तुम्हारी जो फरमाइश करने का स्टाइल है मुझे बड़ा अच्छा लगा। सीधा ही बोल दो ना कि गा दो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब प्यार है, ऐसा क्या है? आओ जी। मैंने कब कहा गा दो? अब हम बैठ गए डॉक्टर साहब, माइक तो है नहीं, स्टैंड पे गाओगे आप? हैं जी, गाने में माइक लगता है। अरे सुर कौन सा चाहिए आपको? आई एम ए वेजिटेरियन, मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ओके। कल बार में जाकर मैंने बोतल वहां उठा ली, और कल बार में जाके मैंने बोतल एक उठा ली, कल बार में जाके मैंने बोतल एक उठा ली, एक घूंट में गट गट पी गया बोतल कर दी खाली, पेमेंट का जब टाइम आया तो पॉकेट मेरी खाली, बार वाले ने मेरे मुंह पे ताली एक बजा ली, निकली निकली चीख निकली, और निकली निकली चीख निकली, आवाज आई आई पटाका पड़ा, ओ मेरे से गाया न जाए अब तो, उन्होंने नहीं दिया मेरे को दिया, मैंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी। Woo!
क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा गाया। कॉल कर रहा है आपको, मैं लिटा के मारूं। आप मेरी बात सुनो शरेआम, आप नूरा सिस्टर का गाना उसको तोड़ मरोड़ के आप गा रहे हैं और आप कह रहे हैं आपका गाना ये? आप मुझे बड़ा सीधा यहाँ पे ला रहे हैं, आप भी तो तोड़ में तोड़ रहे हैं मेरे को। ये शरेआम पटाखा गुड्डी, उन्होंने गाया गाना। तो पटाखा गुड्डी है ना, हमारा तो पटाखा पड़ा मुंह पे है। There is change of lyrics. Oh, lovely, lovely. But yeah, अगर है उनका तो मेरे को यकीन नहीं है इस बात का कि ये उनका गाना है। जी जहाँ तो हमें प्रूफ गाकर बताएं कुछ थोड़ा सा। ये तो प्रूफ कर रहे हैं। हाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने प्रूफ किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नूरा सिस्टर के लिए। डॉक्टर साहब अब आइए, आपको शर्म की नहीं? आए आए पाजी। सुखी भाजी माहौल बना हुआ है, मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूँ, मेरा बड़ा एक फेवरेट है, मैं इनको बहुत फॉलो करता हूँ। जुगनी केंदी है, थोड़ा सा चाहे जितना आपको कंफर्टेबल हो, चार लाइन है पाजी। डॉक्टर साहब चलिए शाबाश, आगे चल के देखते हैं। चलिए बेटा जिंदे रहो, खुश रहो, जुग जुग जियो। थैंक यू। ओ पुत्रा इतने तू सानू अपने आप नु भुलाता, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, क्या बात है, क्या बात है।